हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, मैसेज हैं। हम बात कर रहे थे राजस्थान के इतिहास के, राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत काफी कुछ था हमने, और उसी आगे जो बात करने जा रहे हैं हम। क्लास में हमने सवाई प्रताप सिंह के बारे में पढ़ा था, सवाई प्रताप सिंह के बारे में पढ़ा था, यानी सवाई प्रताप सिंह के, सवाई प्रताप सिंह के बारे में कहा जाता है कि राज दरबार में ये 22 विद्वान रहते थे। सर्व 22 ही कहा जाता था, कहा जाता था सर्व 22 ही कहा जाता। और वो बात करें राज दरबार में, आप पता है क्या हुआ करता था दरबार में? तब काव्य गुरु आरती हुआ करते थे, आरती। ऐसी कुछ जानकारी हमने बारे में प्राप्त कर ली। दोबारा ही किसका हवा महल का निर्माण, 1799 में हवा महल का निर्माण करवाया था। 1799 में हवा महल के बारे में हमने कल क्लास में अच्छा था, किस प्रकार से करवाया। भारतीय वो वास्तुकार है, वो का को माना जाता है, कहा जाता है का के साथ साथ पैर में हवा के लिए जो जाली जरूर बाद बात करें, कहा जाता है कहाँ पर कहाँ कि 900 हवा के लिए पांच मंजिला है सबसे। फिर आकाश मंदिर और सबसे ऊपर वाली बिल्डिंग क्या है? हवा मंदिर। ये सारी पांच मंजिला इमारतें हैं दोस्तों। क्या था किसके प्रताप सिंह, प्रताप सिंह के 1805 जो करने जा रहे। 1803 में कहा जाता है सवाई जगत शासक बना है, सवाई है 1800 लगाकर ये जो रखता है 1818 तक सवाई जगत सिंह की बात करें भाई। सवाई सवाई जगत सवाई जगत बात करें 1818 तक, 1803 1818 तक इस है बात करें। हाँ पर से चलेगा पैर दोस्तों। तो इस शासन काल में क्या क्या होती है? वैसे तो ज्यादातर तो इसके शासन काल में कोई नहीं होता, नाम बाद शासक क्या कहलाता है? बदनाम शासक कहलाता है। ये क्या कहलाता है? जयपुर का, जयपुर का बदनाम का नाम शासक के दाता भाई, बदनाम शासक का बदनाम। इसके बारे में क्यों बदनाम कहलाता है कि इसकी एक प्रेमिका हुआ करती थी, और उस प्रेमिका का क्या नाम था भाई? रसरूप, रसरूप नामक एक प्रेमिका हुआ करती थी, याद रखिए रस कपूर, ज्यादा ध्यान रखिए। एक प्रेमिका थी, कौन? एक प्रेमिका थी रस कपूर, रस कपूर, रस कपूर के बारे में कहा जाता है प्रेम तो सब करते हैं, कोई आप भी करो, प्रेम करने का अधिकार आपको भी दिया है, भगवान ने सबको दिया है, लेकिन कहा जाता है कि ये प्रेम अलग ढंग साथ किए ने को ज्यादा अधिकार दे दिए। अधिकार देने का मतलब क्या है पर दोस्त? अर्थात इसके द्वारा क्या किया गया, साम्राज्य था या शासन संचालन था, उस सारे निर्णयों पर अधिकार जताने लग गई थी, और सामंतों ने पूर्ण निर्णय कौन होती है हमारे लिए आदेश देने वाली और सभी बातें करने वाली, ये कौन होती है? कारण कहा जाता है कि इसे क्या बदनाम शासन, प्रेमिका की कारण, कारण प्रेमिका के कारण इसको क्या कहा जाता है? बदनाम शासक कहा जाता है, समझ में? बदनाम शासक कहा जाता है, और बदनाम शासक होने के कारण पे कौन सवाई जगत। अब इसको क्या किया जाता है? इसको बंदी बना लिया जाता है यहाँ द्वारा, और सामंतों के द्वारा बंदी यहाँ पर रस कपूर को बंदी बनाकर कहाँ पर रखा जाता है? कहाँ रखा जाता है? नाहरगढ़ में कैद कर दिया जाता है, कर दिया जाता है। आपको पता है इसको नाहरगढ़ में कहाँ पर? नाहरगढ़ में
नाहर गढ़ में कैद कर दिया, कैद कर दिया गया, बंदी बनाकर कहाँ रख दिया जाता है, ना कर दिया गया नाहरगढ़ में कर दिया गया। तो इसे रस कपूर, कपूर अर्थात इसके प्रेमिका थे, इसको कहाँ पर बंदी बनाकर कहाँ पर डाल दिया गया, तो बनाकर किस में डाल दिया गया, नाहरगढ़ डाल दिया। अब इधर ही आराम करो, ठीक है। आपको पता है कि उसका माजी, माजी जो भाई था, भाई जैसी भाई कहाँ पर डाला था, विजयगढ़ी में, कहाँ कैद किया था, विजयगढ़ी में कैद किया था, जबकि इसको कहाँ कैद किया है, नाहरगढ़ में। ये दोनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों, तो आ भी सकते हैं आपके लिए, प्रेमिका लगा लेना भाई, क्या है, क्या से ज्यादा प्रश्न पूछा जाए तो आपको ध्यान, कहाँ कैद गया था, गया था तो यहाँ पर किया। चलिए अब बात करें प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि इसी के समय का, ये आपको पता है कि भरतपुर, भरतपुर के साथ में कौन अलवर रियासत थे, अंग्रेजों से शाही संधि कर ली थी 1803, कब कर ली थी 1803, साथ ये भी जयपुर भी करता है, लेकिन वो नहीं जाता तो निरस्त क्या कर दिया है 1800 वापस नहीं। बाद में 1818 में द्वारा इसी 1818 में शाही संधि की जाती, कब क्या जाती पर दोस्तों, 1818 में, कब 1818 में अंग्रेजों से, में अंग्रेजों से सहायक संधि, सहायक संधि सहायक संधि करने वाला शासक कौन था भाई आपका, सवाई जगत सिंह था, सवाई सवाई जगत सिंह सेकंड था, तो तभी सवाई जगत सिंह था। अर्थ आर्थिक पार्थक्य कहा जाता है, आर्थिक पार्थक्य है या क्या कहा जाता है, संधि की जाती। तो ये विषय दो तीन काम होते हैं, इसके बाद प्यारे दोस्तों कहा जाता है, इसके बाद जो शासक बनता है आपका सवाई जयसिंह बनता है 1818 से 1835 तक, कब नेक्स्ट बात करें, सवाई जयसिंह बनता है, इसके बाद सवाई जयसिंह ये 1818 से 1835 तक शासक बनता है, बारे में कुछ पढ़ना क्यों गोंड रखता है और याद रखना भी। इसके बारे में कोई विशेष बातें नहीं, ठीक है। और बात करते हैं, इसके बाद बात करते हैं, एक बात याद रखे तो रख लेना, रूपा भंडारण, रूपा धारण जटाई माथी, आए माथी जरूर ध्यान रखना, इससे पठाड़न से आ जाए तो आपके याद रखना है कि आपको ध्यान रखना है सवाई जैसे, और इसकी जटाई माँ हुआ करती थी, भंडारण हुआ करती। उसके बाद आता है सवाई राम सिंह, राम सिंह जाता है 1800 लगाकर 1800, बात कौन सा शासक बनता है आपका सवाई राम सिंह, कहाँ का, आमेर का, सवाई सवाई राम सिंह 1800 से लगाकर 1880 तक, 1835 1880 तक शासक रहता है सवाई राम, सवाई राम तक 1880 है, तो आ जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये मृत्यु अर्थात किसके प्यारे दोस्तों की मृत्यु जो बाल्य काल में हो जाती महीने का 16 माह का था, तभी ये कब 16 माह की है, और उसके बाद
रिजेंसी किया जाता है या इसका प्रशासन एक है अंग्रेजों द्वारा जॉर्ज लुडलो को भेजा जाता है का क्या बनाया जाता है संरक्षण राज्य शासक तुलमा का बच्चा तो शासन करेगा और इसके बाद कहा जाता है इसका संचालन जो आम संचालन किया जाता है जॉर्ज लुडलो द्वारा किया जॉर्ज लुडलो के द्वारा किया जाता है। चलिए तो ये 16 वर्ष का माह की आयु में का माह आयु में शासक बनता है शासक बन जाता है। का संरक्षक बात करें का संरक्षक कहें या फिर आप कह सकते हैं आपका का रेजिडेंट या कह सकते हैं रेजिडेंसी क्या कह सकते हैं आप इसका रीजन या रेजिडेंसी जॉर्ज लुडलो जॉर्ज लुडलो को बनाया लुडलो ने तो भेजा गया अंग्रेजों को अंग्रेजों ने इसका जो रीजेंट बनाया था इसका संरक्षक भाई जॉर्ज लुडलो को बनाया था इसका रीजेंसी आपके सवाई राम सिंह। और क्या बात रखनी है यहाँ पर ध्यान रखनी है प्यारे दोस्त 1844 में कब की बात कर रहे हैं प्यारे दोस्तों 1844 की बात 1844 में 1844 क्या करता है जयपुर में कहाँ पर प्यारे दोस्तों जयपुर में समाधि प्रथा और कन्या वध प्रथा पर रोक लगाई थी कन्या वध बात करें और एक कन्या वध प्रथा कहाँ पर 1844 में राम सिंह ने राम सेकंड द्वारा क्या किया गया समाधि प्रथा प्रथा व कन्यावध प्रथा कन्यावध प्रथा पर रोक लगाई पर जयपुर में रोक लगाई रोक लगाई ठीक है अमेरिया कौन था भाई कन्यावध प्रथा और समाधि प्रथा समझी बात कहा जाता है 1845 में सती प्रथा पर भी रोक लगाता है पर 1800 कब की बात करें 1845 की बात करें 1845 में 1845 में राम सिंह ने सर दोस्तों राम सिंह पर सती प्रथा पर भी रोक लगाई जयपुर में सती प्रथा राम सिंह सेकंड ने पर सती प्रथा पर किस पर सती प्रथा पर भी रोक लगाई प्रथा पर भी रोक लगाने का कार्य किया गया राम सिंह द्वारा कन्या वध प्रथा एक समाधि प्रथा और एक प्रथा पर भी रोक लगाने का कार्य किस द्वारा किया जाता है 1844 में के द्वारा समाधि प्रथा और कन्या प्रथा पर रोक लगाई गई सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा और उसके बाद राम सिंह द्वितीय द्वारा 1845 में अब प्यारे दोस्तों में कौन सी और बात करें 1847 में मानव व्यापार पर भी रोक कब की बात करें